दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी का मॉडल पेपर नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। यदि वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर भी करें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड कलर के बटन क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। बगल में ही आपके बेल आइकॉन होगा, जब आप इसे ऑन करते हैं तभी मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाती है। इस मॉडल पेपर नंबर 2 में आपको मिलने वाले हैं कुल 30 क्वेश्चन। इन 30 क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं और साथ में आपको अपना स्कोर भी बताना है कि इन 30 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन राइट हैं और कितने क्वेश्चन रॉन्ग। देखिए दोस्तों, राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी की पूरी प्लेलिस्ट तैयार कर दी गई है, कृपया करके हमारे चैनल में जाकर पूरी प्लेलिस्ट चेक कर लें। उसमें आपको हिंदी के सारे टॉपिक वाइज वीडियो और राजस्थान जीके के वीडियो मिल जाएंगे और इससे आप लोगों की तैयारी और बेहतर हो पाएगी। देखिए कमेंट बॉक्स में सारे क्वेश्चन के आंसर जरूर बताएं, इससे आपकी तैयारी में और निखार आएगा, इसलिए हर प्रश्न का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि मुहावरा का है, मुहावरा लुप्त तृतीया, ये आपके सिलेबस में है। अंबर राज्यों मेहमाज्यों का अर्थ है, सब एक जैसे होते हैं, आसमान का लाल होना वर्षा का सूचक है, किसी के भरोसे काम नहीं रुक सकता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन बी, आसमान का लाल होना वर्षा का सूचक है। दूसरा क्वेश्चन है, गुड़ गैला पूजा का अर्थ है। ऑप्शन में आपके हैं, गुणवान की पूजा होती है, निर्लज होने पर भी कोई कुछ नहीं कर सकता, अक्रम में सब जगह टांग अड़ाता है, ज्यादा प्रेम से खरास पड़ती है। ऑप्शन ए, गुणवान की पूजा होती है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर या धौलपुर। ऑप्शन सी, जैसलमेर। अब बात करते हैं क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल में धौलपुर, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की कुल अंतरराज्यीय सीमा की लंबाई कितनी है, 5020 किलोमीटर या 4850 किलोमीटर या 5720 किलोमीटर या 3920 किलोमीटर। ऑप्शन बी, 4850 किलोमीटर। पांचवा क्वेश्चन, राजस्थान के कितने जिलों को छूकर कर्क रेखा गुजरती है, 1, 2, 3 या 4। ऑप्शन बी, 2। छठा क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा नृत्य वीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है। ऑप्शन में क्या क्या है, ढोल नृत्य, गैर नृत्य, हाथी नुमा नृत्य या खारी नृत्य। ऑप्शन सी, हाथी नुमा नृत्य। अगला क्वेश्चन, लड़कियां द्वारा गाया जाने वाला सामूहिक लोकगीत घुटला किस क्षेत्र में गाया जाता है, जयपुर, अलवर, जोधपुर, भरतपुर। ऑप्शन सी, जोधपुर। अगला क्वेश्चन देखिए, जाहर पीर के नाम से विख्यात है। ऑप्शन में आपके हैं, गोगा जी, हडबू जी, शीतलनाथ जी, देव नारायण जी। ऑप्शन ए, गोगा जी। नवा क्वेश्चन, रामदेव जी की अनन्य भक्ति महिला जिसने रामदेव जी से एक दिन पूर्व समाधि ली थी, सुगुनबाई, डालीबाई, नानीबाई, हीराबाई। ऑप्शन बी, डालीबाई। दसवां क्वेश्चन, ठोला मारू री बात किसके द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन में आपके हैं, खुशलचंद, विजयदान देथा, हेमकवि, बिठू सूजा। ऑप्शन ए, खुशलचंद। ग्यारहवां क्वेश्चन, राजस्थान में ब्रह्म मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन में आपके हैं, मेरता, सालासर, नाथद्वारा, पुष्कर। ऑप्शन डी, पुष्कर। बारहवां क्वेश्चन देखिए, रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है। ऑप्शन में आपके हैं, सरला रानी की बाबड़ी, वी में है बाटूटी की कुआं वाड़मेर, सी में है रानी जी की बाबड़ी, डी में है महिला बाग झालटा जोधपुर। ऑप्शन बी, बटाडू की कुआं वाड़मेर। अगला क्वेश्चन है, गोगा नवमी कब आती है। ऑप्शन में है, श्रावण के शुक्ल पक्ष की नवमी में, भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की नवमी में,
श्रावण पक्ष की नवमी में, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की नवमी में। ऑप्शन बी, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी में। अगला क्वेश्चन देखिए, मेमन आभूषण कहाँ पहना जाता है? हाथ में, पैर में, सिर में, गले में। ऑप्शन सी, सिर में। अगला क्वेश्चन, ताराभांत की ओढ़नी राजस्थान की किन स्त्रियों की वेशभूषा है? राजपूत, जाट, गुर्जर, आदिवासी। ऑप्शन डी, आदिवासी। अगला क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों द्वारा प्रदान की गई राय बहादुर की उपाधि किसने लौटाई? ऑप्शन में आपके जमुना लाल बजाज, प्रताप सिंह बारहठ, दामोदर दास माणिक लाल वर्मा। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन यह है। ऑप्शन ए, जमुना लाल बजाज। 17वां क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में गोडवासी बोली जाती है? नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर। ऑप्शन डी, जालौर। 18वां क्वेश्चन, राजस्थानी भाषा का उद्गम कौन सी शैली से जाना जाता है? गुजरात शैली, नाथद्वार शैली, बूंदी शैली, अप्रभास शैली। ऑप्शन डी, अप्रभास शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाण गंगा मेला कहाँ भरता है? मुकाम में, केलबाड़ा में, सिल्की टुमरी में, बैराठ में। ऑप्शन डी, बैराठ में। 20वां क्वेश्चन, कादोरी आभूषण कहाँ पहना जाता है? गले में, सिर में, कमर में, पैर में। तो ये कहाँ पहना जाता है? ये पहना जाता है ऑप्शन सी, कमर में। अगला क्वेश्चन, मीराबाई का मंदिर है मेड़ता नागौर, कानोता जयपुर, सीकर झुंझुनू। ऑप्शन ए, मेड़ता नागौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री रंगनाथ जी का मंदिर है जोधपुर में, अजमेर में, भीलवाड़ा में, अलवर में। तो कहां पर है श्री रंगनाथ जी का मंदिर? ऑप्शन बी, अजमेर में। अगला क्वेश्चन, दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? करौली में, उदयपुर में, सिरोही में, बूंदी में। तो दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? ऑप्शन सी, सिरोही में। अगला क्वेश्चन, दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म के अनुयायियों का धार्मिक स्थल है? बौद्ध धर्म का, हिंदुओं का, पारसियों का, जैनियों का। तो दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म के अनुयायियों का धार्मिक स्थल है? ऑप्शन डी, जैनियों का। 25वां क्वेश्चन, बाण माता कुलदेवी की आराधना होती है मेवात में, जोधपुर में, बीकानेर में, जयपुर में। तो बाण माता कुलदेवी की आराधना कहां पर होती है? ऑप्शन ए, मेवाड़ में। 26th क्वेश्चन, ओसिया जोधपुर में अवशेष पाए गए। ऑप्शन में आपके हैं बौद्ध विहारों के, एक के ऊपर जैन तथा ब्राह्मण मंदिरों के, विष्णु मंदिरों के, शाही महलों के। ऑप्शन वी, एक के ऊपर जैन तथा ब्राह्मण मंदिरों के। 27वां क्वेश्चन, एक लिंग मंदिर कैलाशपुरी में है, यह किस जिले में स्थित है? जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में, कोटा में। ऑप्शन सी, उदयपुर में। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध आदिवासी मेला बिनेश्वर किस जिले में आयोजित होता है? बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में, उदयपुर में, बारा में। ऑप्शन बी, डूंगरपुर में। 29वां क्वेश्चन देखिए, ना नौहर तहसील हनुमानगढ़ में कौन सा प्रसिद्ध मेला लगता है? ऑप्शन में आपके हैं बाणगंगा मेला, चारभुजा मेला, गोगा जी का मेला, शीतला माता का मेला। ऑप्शन सी, गोगा जी का मेला। 30वां क्वेश्चन, हाड़ौती क्षेत्र में अत्यंत उमंग व उत्साह से मनाया जाने वाला त्योहार है? दशहरा, भैया दूज, राखी, गणगौर। ऑप्शन ए, दशहरा। तो दोस्तों, ये था आपका राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी का मॉडल पेपर नंबर 2, जिसमें आपको कुल
30 क्वेश्चन मिले। अब आपको ये बताना है कि 30 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन राइट किए हैं और कितने क्वेश्चन रॉन्ग, ये बताना है आपको कमेंट सेक्शन में। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए बगल में ही आपके बेल आइकॉन होगा, जब आप इसे ऑन करते हैं तभी मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।